सो गाइस, अगर आप सोनी A7 III ओन करते हो और चाहते हो कि उसके ऑटो फोकस में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं वेडिंग शूट करूँ, इंटरव्यू शूट करूँ, कुछ भी शूट करूँ, मुझे इसके ऑटो फोकस में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, A7 IV की वीडियो भी आ जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में बात करने वाले A7 III की। A7 III काफ़ी अच्छा कैमरा है, लेकिन इसका ऑटो फोकस काइंड ऑफ मीडियोकर है आज की डेट में। सो उस ऑटो फोकस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और ऑटो फोकस की सेटिंग क्या रखनी चाहिए जिससे आपको बेस्ट आउटपुट मिले, सो उसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ऑटो फोकस की सेटिंग की बात करूँ तो आपको फंक्शन बटन दबाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑटो फोकस के ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक प्रॉब्लम यही है कि सोनी में जो है A7 III में आपको जो है टच टू फोकस मिलता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। टच टू फोकस एक पॉइंट पर फिक्स हो जाता है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलता। आप टच करोगे तो उस पर जाकर फिक्स हो जाएगा, ये दूसरी जगह पर फोकस नहीं लेगा। इट इज़ लाइक दैट। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप 100 FPS पर शूट कर रहे हो तो इस ऑटो फोकस की गाइडलाइन को फॉलो करें। अगर आपको अपर्चर ज़्यादा रखना है, जैसे कि आपका अपर्चर F5 है या फिर F3 है, 3.5 है, तो आप इस सेटिंग को यूज़ करें वाइड में। वाइड में आपको इतना ज़्यादा इजी रहेगा कि जो चीज़ आपके कैमरा के सबसे ज़्यादा आगे होगी वही ऑटो फोकस में आ जाएगी, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम का जो कैमरा का सेंटर है वही ज़्यादा फोकस में रहता है। तो अगर आपको ज़्यादा अपर्चर में शूट करना है, सारी चीज़ें लेनी है, तो आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा काम करेगा। अगर आपको शूट करना है किसी स्पेसिफिक जोन में, जोन से मेरा मतलब है कि पता है कि आपका सब्जेक्ट जो है यहीं पर अपीयर होने वाला है, तो आप क्या करोगे, जोन सेटिंग को यूज़ करोगे। जोन मतलब आपको एक बॉक्स मिलेगा, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। यस, आपको जोन मिलेगा, जिस जोन में आप जाओगे उस जोन में ये फोकस कर लेगा। इस तरीके से देखो, इट इज़ अ जोन फोकस सिस्टम। आप जॉयस्टिक से इसे मूव कर सकते हो। आप इसे यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर आने वाली सबसे पहली चीज़ फोकस में आ जाएगी, दूसरी कोई चीज़ फोकस में नहीं रहेगी। आपकी फोकस की प्रायोरिटी इस जोन में चली जाएगी। तो मैं रेकमेंड करूँगा अगर आपको किसी जोन में रखना है तो इसे यूज़ करें। मैं रेकमेंड करूँगा कि इसे आप यूजुअली मत यूज़ करें, आप सेंटर सेटिंग की तरफ जाए, या फिर सेंटर में अगर आपको लगता है नहीं मिल रहा है तो आप जो है इस सेटिंग की तरफ जाए। इसको एस पर से एल पर ले आए, एल में लेंगे ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। यूजुअली मैं वेडिंग में यही सेटिंग यूज़ करता हूँ। मैं जो इसे एल पर रखता हूँ, जैसे कि अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं कंटिन्यूसली टच करता रहूँगा जहाँ पर मुझे फोकस करना है। मुझे पता है कि दूल्हे का फेस यहीं पर है, तो मैं कंटिन्यूसली अपने कैमरा से जो है वहाँ पर टच करता रहूँगा कि जिससे वहाँ पर फोकस चला जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि सोनी यूज़र यही करते हैं। सो रेकमेंडेड आप अपनी सेटिंग को जो है फ्लेक्सिबल फोकस पॉइंट पे रखें, उसमें भी लार्ज पॉइंट का यूज़ करें और कहीं पर भी टच करके फोकस करें। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टीडियस हो सकता है, लेकिन टीडियसनेस को जाने दें, क्योंकि सोनी में आपको सेटिंग को जो है ईजिली मैनिपुलेट करना है, तो दिस इज़ दी बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आपके पास। तो दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, यूजुअली मैं यही यूज़ करता हूँ। इसके अलावा भी एक पॉइंट है एक्सपेंडेबल फोकस पॉइंट, लेकिन ये इतना इसके लाइक सिमिलर ही है, लेकिन आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी मिलती है इसके साथ। आप इसे इजीली मूव कर सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा। देखो, इसे आप कहीं भी मूव कर सकते हो, सिमिलर है। तो रेकमेंड करूँगा आप इस सेटिंग को यूज़ करें। यहाँ पर आप लार्ज को यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। सो सोनी में ऑटो फोकस के लिए दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। और तो अगर आपको चेंज करना है तो आप मेन्यू में जाइए, वहां पर जाकर आपको जो है ऑटो फोकस की प्रायोरिटी सेटिंग ढूंढनी है। आपको जो है जाकर जो इस सेटिंग को अनेबल कर देना है, जिससे आप टच करके इजीली ऑटो फोकस कर पाओगे। बाकी यूजुअली फेस एंड आई ऑटो फोकस को ऑन ही रखना जब आप 25 FPS पे शूट करते हो, तो आपको ये सेटिंग बहुत ही अच्छी मिलती है। ट्रैकिंग की सेंसिटिविटी को आपको नंबर 5 पे कर देना है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट और फ्लेक्सिबल फोकस मिले। देखो इस तरीके से, आप मैनुअल फोकस बिल्कुल ट्राई मत करना, उससे आपको सोनी में इतनी ज़्यादा सेटिंग नहीं मिलती कि आप चेंज कर सको। रेकमेंडेड है फ्लेक्सिबल पे रखो और अपना आउटपुट सबसे ज़्यादा अच्छा बनाओ। सो गाइस, ये थी ऑटो फोकस की सेटिंग। सो गाइस, आपको और भी इन डेप्थ नॉलेज लेना है इन चीज़ों के बारे में, कैमरास के बारे में, सोनी के बारे में, कैनन के बारे में,
तो नीचे आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। 49 rupees पर मंथ है और आपको वहाँ पर पैसा वसूल मिलेगा। मतलब मैं जो है वहाँ पर आपको लाइव सेशन दे सकता हूँ, वहाँ पर मैं आपको पर्सनली कुछ चीज़ें बोल सकता हूँ जो मैं इस चैनल पर नहीं बोल सकता, आपको पर्सनली टीच कर सकता हूँ, और तो और मैं जो है स्पेशल वीडियोज़ भी डाल सकता हूँ, और आपको कुछ प्रिविलेज मिलेंगे टू नॉर्मल पीपल। आप मेरी वीडियो कुछ टाइम पहले देख पाओगे और कुछ जो है चीज़ें आपको जल्दी एक्सेस मिलेगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना और ज्वाइन भी कर देना। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी साइनिंग आउट।